कि अमोघ बाण में अभेद्यता है, पर राम लक्ष्मण की उस दीवार को तोड़ नहीं सकते थे। बेलखने लगा लखन, जाते कहूं मैं शिशु, मैं छोटा बालक। लक्ष्मण ने कहा मैं शिशु। भगवान ने कहा पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, माताएं विलाप कर रही हैं, पूरी अयोध्या में रोदन है, भरत और रिपुदमनिया है नहीं, तेरा धर्म बनता है सेवा करना सबका, उनको संभाल के रखना। बोले महाराज नाना मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, आप अपने धर्म का पालन करो। मैं तेरा धर्म क्या है? बोला मेरा धर्म यह कि जब विवाह हुआ हमारा तो हमारी माता ने मुंह दिखाई में मेरा हाथ पकड़ के सीता के हाथ में रख दिया है कि ये तेरी माँ है। आपको तो पता ही है ये बात। जैसी सीता जी आई थी महलों में, सुमित्रा ने कहा मैं अपने मातृत्व का दान करती हूं, सीते आज से ये लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं रहा, आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है। और हां एक और बात मैंने कहनी थी, तो सीता के हाथ में एक हाथ पकड़ा दिया उसका कि तेरा बेटा है। और मैं एक और घोषणा करना चाहती हूं कि राम ही अब इसके पिता हैं आज से। और ये इतना शिशु है, छोटा सा है, मेरे बालक का जो मन है ना नवजात शिशु जैसा है, शब्द नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ होता है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है न्यूनेटल, जस्ट न्यूनेटल कि बस अभी पैदा हुआ है, नवजात शिशु जिसकी देखभाल माँ ही कर सकती है और कोई नहीं, जो बिना माँ की देखभाल के रह नहीं पाता। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरी मां ने तो ये कहा है, माता रामो पत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने। और सारे मार्ग बंद कर दिए राम के उन्होंने ये कहकर कि मैं गुरु माँ तो पिता एक कोई संबंध में नहीं मानता किसी को। भक्ति में थोड़ा आग्रह तो है लक्ष्मण का, हठ तो है। पता नहीं क्यों राम जी के मुंह से फिर निकल गई एक बात, गजा अपनी मां से पूछ क्या फिर चल स्वीकार है, मेरा अनुगमन कर, मेरा अनुसरण कर, चल वन में मेरे साथ, लेकिन एक बार मां से पूछ कर। अम्मा तो सामने ही खड़ी है। तुम्हारे भाग राम बन जाई दूसर हे तो तात कछु नाही। न इसमें कौशल्या, न कैकई, न मैं, न राजा, और इसमें कोई प्रजा कारण नहीं। मुझे तो ये भी नहीं बताना है कि रावण का कोई कारण है वन गमन में। सारे कारण गौण हैं, सारे कारण न्यून है, उन कारणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम वन किस लिए जा रहे हैं कोई कारण नहीं है, न वो रावण का वध है, न कुंभकर्ण का उद्धार है, न वो कोई लीला है, एक ही काम के लिए जा रहे हैं, राम को सुनाकर बोल रहे हैं। ये जो राम वन जा रहे हैं एक ही कारण है और कोई कारण नहीं है राम का, क्या? तुम्हारे भाग्य राम बन जाए दूसर हेतु तात कछु ना। तेरा भाग्य अच्छा है, तो तू महाभाग्यवान है। और अगर तेरा इतना बड़ा भाग्य है तो विलंब किस बात का है, मैं तो पहले ही दे चुकी तुझे राम और सीता को, जा अपनी मां से पूछ कि जाना है कि नहीं। अब मां दूसरी कौन सी है, सीता माता, मैं तो तेरी मां हूं ही नहीं। तो राम कहता अपनी मां से पूछ, तो मां तेरी सीता है उससे पूछ ले। अब वो सीता के चरणों में
और सीता जी ने कनक से कहा, कनकियों से कहा, लाल जी चलो पीछा करो, लाल जी चलिए पीछा करिए, पीछे रहना है। लाल जी को कहां तय कर दिया, माने तय कर दिया रहेगा कहां, पीछे रहेगा, मतलब बीच में नहीं चलेगा, पीछे चलना। बीच में कौन है, मां जगत जननी जानकी जी, आगे कौन है, राम। उभय बीच सी सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। केवट की गाथा है हमारा, अड़ियल भगत मिल जाते हैं कभी कभी रस्ते में, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाए चितई जानकी लखन तन, उतारूंगा पार बाद में। तो राम ने कहा पहले क्या करना है, बोले मैं पार उतरना चाहता हूं, तुझे बाद में पार उतारूंगा, पहले मैं तो उतर जाऊं पार। प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाए, तुलसी बाबा कहते पहली बार राम को हंसी आ गई। एक ऐसा भी पात्र चाहिए जो गंभीर मुद्रा को थोड़ा सहज करे। राम को स्मित हास्य दे दिया, विहसे करुणाए, देखा है कौन है, ये एक बार पैर छूने के लिए आया था, आपने भगा दिया था इसको, जब आप लक्ष्मी थी और ये शेषनाग था, आज ये तो पैर धोएगा ही। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, मैं पहले पार जाऊंगा और अकेला नहीं पूरे कुल को साथ लेकर फिर तुझे पार उतारूंगा। बड़ी सुंदर सी गाथाएं, मुझे क्षमा करिए, केवट जैसा प्रसंग है, हम लोगों के लिए कई दिन चाहिए केवट के लिए, एक दिन में केवट हमारे बस का नहीं है। उसका प्रेम भक्ति श्रद्धा आस्था, प्रेम और पूर्व की उसकी गाथा, ऐसा अड़ियल भक्त नहीं देखा कि बीच मझधार में लेके और दाएं बाएं चलाता। लक्ष्मण ने टोका, भाई हम किनारे पे पहुंच के फिर बीच में आ जाते, जब हमको किनारा आ तो गया उतार पार, तो फिर बीच में ले आता है। बोले महाराज ये नदी की धार का मुझे ही पता है। रुष्ट हो गए लक्ष्मण, उन्होंने कहा जब बिल्कुल हम किनारे पर पहुंच जाते तो फिर बीच में ले आता है, जल्दी पार उतार। तो पता है क्या कहता है, ये भी तो ऐसे ही करते हैं, जीव किनारे पे आता है फिर बीच में ले आते हैं उसे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाहे मोरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, कर्तर भिक्षा तरतर वासा तदपि न मुंचति आशा पाशा। भज गोविंदम, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि पार नहीं उतारता, इधर उधर घुमाता रहता है, ये पार नहीं उतारेगा। अच्छा कई बार तो लगता है पार उतर गए फिर बीच में ले आता है। मार्कंडे को लगा कि ये क्या हुआ, नारद को लगा ये हुआ क्या, हम तो लगभग पार ही पहुंच गए थे, हम तो किनारे ही लग गए थे, फिर से एक और जन्म, फिर से एक और लीला। लक्ष्मण ने कहा अब ऐसा नहीं करना, लगभग हम किनारे पर पहुंच गए, अब हमें तू पार कर। आप कल्पना कर सकते हैं, जो सबको पार लगाता है उससे राम लखन पार उतरने की याचना कर रहा है।